मौगंज टीआई की लव स्टोरी, भाभी ने की दहेज प्रताड़ना की एफआईआर। जांच करने गए निरीक्षक ने कुंवारा बता बनाए संबंध, विरोध करने पर ताने रिवॉल्वर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर जिले के सिहोरा थाने में मऊगंज कोतवाल के खिलाफ रेप और धमकाने का मामला दर्ज हुआ है। 29 अक्टूबर को प्रकरण की जानकारी मिलते ही एसपी वीरेंद्र जैन ने आरोपी टीआई को निलंबित कर दिया है। बताया गया कि रविवार की सुबह आरोपी निरीक्षक गिरीश ध्रुवे अचानक छुट्टी का आवेदन लगाकर थाने से भाग गया। कुछ देर बाद थाने के स्टाफ को दुष्कर्म के प्रकरण की जानकारी मिली। अंदर गए तो टीआई के चैम्बर में एक आवेदन रखा था, वहीं टीआई समय रहते थाने से फरार हो गया है। अब जबलपुर जिले के सिहोरा व मऊगंज थाने के पुलिस संयुक्त रूप से टीम बनाकर टीआई के संबंधित ठिकानों में दबिश दे रही है, पर टीआई नहीं मिला है। इधर नवागत मऊगंज जिले के टीआई की लव स्टोरी पुलिस विभाग की देशभक्ति पर बट्टा लगा रही है। आखिर अब पब्लिक जाए तो कहां जाए। अब जानते हैं पूरा मामला। पीड़ित युवती ने बताया कि 2 वर्ष पुराना मामला है। 11 जून 2021 को सिहारा क्षेत्र की रहने वाली नवविवाहित भाभी ने भैया के खिलाफ मारपीट व दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराया। तब तत्कालीन सिहोरा टीआई गिरीश ध्रुवे बयान लेने घर पहुंचे। वहां टीआई ने भैया से पूछताछ की। वे शुरुआत से मुझ पर डोरे डालने लगे। कुछ दिनों बाद अक्सर किसी न किसी बहाने से घर आने लगे। गोसलपुर क्षेत्र के मंदिर में की शादी। एक दिन मैं घर में अकेली थी, तब उन्होंने अपने को कुंवारा बताकर शादी का वादा किया। वो अक्सर बिना बताए घर आने जाने लगे। कुछ दिनों बाद भैया घर के बाहर चले गए। ऐसे में मौके का फायदा उठाकर टीआई आया। उसने शारीरिक संबंध बनाए। ये सिलसिला कई बार चलता रहा। मैंने शादी की जिद की तो एक दिन गोसलपुर क्षेत्र के मंदिर में ले गए। वहाँ हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली। मझौली बाईपास में किराए के मकान में रख दिया। पीड़िता ने पुलिस अफसरों से कहा कि आरोपी टीआई शादी के बाद मझौली बाईपास के समीप एक किराए के मकान में रख दिया। वहाँ अक्सर आता जाता, संबंध बनाता, फिर चला जाता। जरूरत के हिसाब से सरकारी बंगले में भी बुलाने लगा। एक दिन बंगले के नौकर ने महिला को साहब की कहानी बताई। कहा कि साहब शादीशुदा हैं, उसके बड़े बड़े बच्चे हैं, वो कुंवारा नहीं है, वो धोखा दे रहा है। शादी के सवाल पर तान दे रिवॉल्वर। आरोप है कि पीड़िता ने टीआई का काला चिट्ठा जानकर विरोध की। वो पुलिस निरीक्षक के बंगले पहुंच गई। वहां पुलिस अधिकारियों से शिकायत की बात कही। ऐसे में आरोपी टीआई ने सर्विस रिवॉल्वर निकालकर युवती के माथे में सटा दिया, जिससे युवती डर गई। तब आरोपी ने धमकी दी, कहा कि थाने गए तो जान से खत्म कर देंगे। फिर युवती से एक कोरे पेपर पर हस्ताक्षर करा लिया, पुत्र से धमकी दिलाया। युवती से डरकर इंस्पेक्टर ने पुत्र ईशान ध्रुवे और परिवार को जानकारी दी। टीआई के बेटे ने प्लान बनाकर महिला को धमकाने किराए के रूम गया। उसने कट्टा दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। शिकायत के बाद सिहोरा पुलिस ने टीआई गिरीश ध्रुवे के खिलाफ बलात्कार और बेटे ईशान ध्रुवे पर धमकाने का प्रकरण दर्ज किया। अब इंस्पेक्टर गिरीश ध्रुवे नवागत मऊगंज जिले के मऊगंज थाने में पदस्थ हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।